हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सेंटेंस होता है क्या और कैसे पहचानेंगे? पहले बच्चों देखिए, सेंटेंस का क्या डेफिनेशन है। अ सेंटेंस कैन एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब जो सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हो, क्वेश्चन मार्क्स लगे या एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? देखिए, सपोज आपकी मैम आई क्लासरूम में और बोली, बच्चों कल स्कूल बंद है। आप बोलोगे हुर्रे, टुमारो इज अ हॉलीडे, तो ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, क्योंकि आप खुश हो गए कि कल तो हमारी छुट्टी है, स्कूल बंद है, अब हमें स्कूल कल नहीं आना है, राइट? तो हमें सडनली अगर खुशी मिलता है ना बच्चों, सडनली से अगर आपको कोई खुशी मिले, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। नॉर्मल अगर हमें अपनी घिसी पिटी बात पूरी करनी हो तो वहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं, और अगर किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने अपनी फ्रेंड से पूछा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, राइट? तो ये क्या है? क्वेश्चन आपने पूछा ना, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, ठीक है? तो जब भी आप ऐसे बोलोगे तो क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है? तो सेंटेंस कैसे पहचानेंगे बच्चों? फुल स्टॉप से एंड हो, क्वेश्चन मार्क से एंड हो, या सेंटेंस के बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सेंटेंस कहलाएगा। ओके, समझ आ रहा है ना? देखिए, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, फुल स्टॉप। What is your name? Question mark. Hurray, tomorrow is a holiday. Exclamation mark लग गया, Reena is a good girl. Full stop. Wow, what a beautiful flower. आप कहीं गए हो गार्डन में और आपको वो फूल बहुत पसंद आया, आप बोलोगे wow, what a beautiful flower. Okay? I have a pet cat. Simple sentence था, full stop. Do you have a pencil? क्या तुम्हारे पास pencil है? तो question mark, क्योंकि आपने तो question पूछा ना कि क्या तुम्हारे पास है या नहीं. Okay? तो इसी से related थोड़ी सी questions और भी हम लोग देख लेते हैं. Wing is sentence with a capital letter. इसके पहचानने के बच्चों एक और तरीका है कि वो हमेशा capital letter से start होगा. Okay? Also use full stop, question marks or an exclamation mark to end the sentence. Sentence के end में या तो full stop का use करेंगे या question mark का या exclamation mark का, ठीक है? और starting जो होता है वो capital letter से होता है. ये बहुत ही important है capital letter की बात, ठीक है? इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे. जैसे देखिए, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड. माई यहाँ पे स्मॉल था ना, तो देखो आपको आपके आंसर में माँ एम को कैपिटल किया गया. माई मदर कुक्स टेस्टी फूड. ओ नो, वी लॉस्ट द मैच, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आएगा. यहाँ पे जब भी ओ हुर्रे इस टाइप का जब भी वर्ड यूज होता है ना, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है. ओके, हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल है ना एच, तो आप कैपिटल लगा के यूज करोगे. हाउ ओल्ड आर यू. सोनल इज माई बेस्ट फ्रेंड, सोनल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? आपने सोनल को क्या, सोनल ये कैपिटल में था यहाँ पे, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा था हमने. फुल स्टॉप लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया, बिकॉज सेंटेंस का हमने क्या रूल पढ़ा, स्टार्टिंग कैपिटल हो, एंडिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन के साथ. कुछ भी चीजें लगेगा तभी वो सेंटेंस होगा. अगर इनमें से कुछ नहीं लग रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है. इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो. अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए कि सेंटेंस करेक्ट करो, ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वहां पे हमें क्वेश्चन मार्क यूज करने हैं, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन. किस टाइप की बात की जा रही है? क्वेश्चन पूछी जा रही है, नॉर्मल सेंटेंस की बात किया जा रहा है, या कुछ एक्साइटेड की बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें सडनली खुशी मिले, वहां पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. आई गो टू स्कूल एवरी डे. ओके, देखो यहाँ पे आई क्या था, स्मॉल था ना, इसे कैपिटल बना दिया गया, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को सेंटेंस समझ आ चुका है. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. वीडियोस पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और कमेंट अगर करें कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप लोग को आता है. ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.